जय हिंद साथियों, आप सभी का सिद्धार्थ सर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज की बहुत बड़ी हमारे मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए ताज़ा खबर ये है कि आप लोगों ने मध्य प्रदेश पुलिस का पेपर दे लिया है, तो अब मध्य प्रदेश में फिलहाल भर्ती नहीं है। तो अब युवा क्या करें, जिनका सिलेक्शन जिनके नंबर ठीक हैं वो तो फिजिकल कर रहे हैं, जिनके फिजिकल में नंबर ज़्यादा नहीं है तो वो लोग क्या करें। तो इसी के संदर्भ में आप लोगों के लिए मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ। बहुत महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। अगर आपने ये वीडियो अंत तक देख लिया है तो मैं गारंटी दे रहा हूँ इस साल तो भर्ती आपकी जल्दी, एक भर्ती मैं बताने जा रहा हूँ, बहुत महत्वपूर्ण भर्ती है। 50,000 हो सकता है, 50,000 या 50,000 से प्लस आपको पद देखने को मिले, जिसमें आपने अगर पूरी स्ट्रेटजी अगर हमारी समझ ली है तो जरूर सिलेक्शन होने वाला है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, हर सरकारी भर्ती से संबंधित मध्य प्रदेश हो या देश की हो, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन, हम पूरा विस्तार से लेकर आते हैं, जितना हो सकता है सब आपको समझाने वाले हैं। तो यहाँ मैं आपको समझाने वाला हूँ सबसे बड़ी इस समय की भर्ती, बहुत कम समय में सिलेक्शन ज्वाइनिंग एस एस सी जी डी। देखिए, अब जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है वो सभी अभ्यर्थी एस एस सी जी डी की तैयारी शुरू कर दें। अब कई लोगों को मानना है कि इसकी कट ऑफ ज़्यादा जाती है, तो ये भी हम आपको बताने वाले हैं। नहीं जाएगी यार बॉस, तैयारी तो करिए। अब सुनिए कैसे तैयारी करना है। पहले मैं आपको ये बता दूँ कब से फॉर्म, तो मैं आपको बता दूँ 24 नवंबर से फॉर्म शुरू हो रहे हैं। 28 दिसंबर है आप इसकी लास्ट डेट। तो फॉरम मैं आप सभी को बता दूं, मध्य प्रदेश पुलिस को देखते हुए, और पिछली बार एसएससी जीडी की साइट नहीं चली थी लास्ट के 5 से 6 दिन, इसलिए शुरू में ही आप लोग फॉरम डाल दें। अब बात करी जाए कि इस बार इसका कट ऑफ ठीक ठाक गया, ठीक ठाक क्या, ठीक गया है। मध्य प्रदेश पुलिस में जो जनरल का कट ऑफ गया लगभग 125 के करीबन पॉइंट में है। उसके बाद थोड़ा ओबीसी का 2-4 नंबर कम कर दीजिए, फिर ऐसे ही एससी का 114 के करीबन है। ठीक है, ये इस तरीके से आपका कट ऑफ गया। तो देखिए, सबसे पहले किसी भी एग्जाम को क्रैक करना है आप ओल्ड पेपर खरीदिए। क्या खरीदिए, ओल्ड पेपर खरीदो जो कि इस साल एग्जाम हुई है। ओल्ड पेपर खरीदेंगे, उनमें देखिए किस तरीके के मैथ के प्रश्न आ रहा है, किस तरीके के रीजनिंग के आ रहा है, किस तरीके के जीएस के आ रहे, और किस तरीके के आपके हिंदी के, उसी तरीके से अभी पढ़ना शुरू कर दीजिए। मैं गारंटी दे रहा हूँ, अगर आपने ये बात मेरी मान ली है, चाहे कट ऑफ 140 क्यों ना जाए, आपका सिलेक्शन बहुत अच्छे से होगा। दूसरी बात मैं आप लोगों को बता दूँ, पढ़ना कहाँ से है, अंकित भाटी सर से पढ़ना है सभी को, और वहीं से आपको उनका ऐप डाउनलोड कर लेना है जहां आपको टेस्ट लगाना है। टेस्ट में आपका हर वीकली टेस्ट आता है, फ्री टेस्ट है दोनों तरफ से। नहीं आप लोग सोचे कि सिद्धार्थ सर किसी का, मैं एक आपको बता रहा हूं, आपकी मर्ज़ी आप लगाओ या ना लगाओ, फ्री आता है। मैं इसलिए बता रहा हूं, उनकी सीरीज आपका मन करे तो खरीदो, नहीं खरीदो मेरा मानना है कि क्या ज़रूरत है, वो खुद ही लाइव क्लासें आपको चलाएँगे प्रैक्टिस। बाकी के आप अच्छी सी किताबें लाइए, मैथ हो, रीजनिंग हो। अगर आपको ये किताबों के बारे में भी जानना है तो मुझे कमेंट में बताइए विस्तार से, बहुत महत्वपूर्ण हम आपको वीडियो बनाएंगे कौन सी किताब से आपको पढ़ना है। पर मेरी बात मानना है, आपको सॉल्व पेपर ख़रीदना है, ना कि आपको अंकित भाटी के ऐप में फ्री में, नहीं उससे काम नहीं चलेगा, आँखें ख़राब नहीं करना है। सॉल्व पेपर आ जाएगा 150 से 200 के बीच में आ जाएगा, उसको ख़रीदिए। ठीक है, और वहाँ से आप खरीदेंगे और उसको फिर लगाइए, और मैथ, रीजनिंग, जीके और हिंदी, जहाँ से भी आप पढ़ना चाहो, जैसे अंकित भाटी है मेरे हिसाब से अच्छी टीम है, मेरा मानना है। आपका मन करे किसी और से पढ़ना चाहिए तो भैया और से पढ़ लीजिए, प्रॉपर उनके नोट्स तैयार करिए, प्रॉपर नोट्स तैयार करिए। मैं आपको बता दूँ, बहुत अच्छे से नोट्स आपको इतना इम्प्रूवमेंट मिलेगा, आप मुझे 15 दिन बाद खुद मैसेज करेंगे कि सिद्धार्थ सर बहुत मज़ा आया है। तो ये थी, आप लोगों को मायूस नहीं होना, जिनका पेपर नहीं निकला कोई दिक्कत नहीं है, असफलता हमें ये सिद्ध कराती है कि हमने कहीं कमजोरी छोड़ी है। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती है, मेहनत करने वालों की कभी
हार नहीं होती, इस बात को याद रखना है। मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौंसी 17 बार हारा है, 18वीं बार जीत गया, ये बात भी आप देख सकते हो। तो भैया ये आपको किसी भी बंधु को ये टेंशन नहीं लेना है, बाकी के आपका जो भी क्वेरी हो अगर ज़्यादा चाहो तो मैं ग्रुप बना दूंगा, मैथ का मैं स्पेशल टीचर हूँ, मैं इस समय कोटल अकेडमी में पढ़ा रहा हूँ, तो आप चाहो तो मैं आपकी थोड़ी बहुत मदद हम भी कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, आपकी अगर कोई क्वेरी है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। ये मेरा वीडियो बस इसी वजह से कि आपको हारना नहीं है, आपको मेहनत करना हो। जिनका एमपी पुलिस में हो गया वो उन बंधु से भी कहेंगे कि देखो अभी मेरिट आना है, बहुत कुछ आना है, आप लोग भी मेहनत करिए, अपने दोस्तों को भी बताइए मेहनत करिए। थैंक यू। और दूसरी बात मैं आप लोगों को बता दूँ, अभी 46,000 से ज़्यादा पद बताए जा रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं जब तक ज्वाइनिंग नहीं हो जाती है लगभग 2 से 3 बार पद बढ़ते, तो ये बढ़ते बढ़ते मेरा आंकड़ा है कि आपका 58,000 से 60,000 के बीच में पद होना चाहिए, क्योंकि इस बार 26,000 के करीबन आए थे शुरू में, बढ़ते बढ़ते आपके 51-52,000 के करीबन पद हो गए, समझ रहे हैं आप, दुगने के करीबन हो गए, तो ये इतने तो नहीं बढ़ेंगे, आपके 58-60 के करीबन हो जाएंगे। ये भी बहुत महत्वपूर्ण इस बार की खबर है। तो आप लोग और अच्छे से कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट में मुझे बताइए। थैंक यू दोस्तों।